हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस हिंदी। हिंदी में आज मैं आपको, जैसे कल मैंने बताया था, चित्रों के माध्यम से कहानी बनाना और फिर उसका उचित शीर्षक भी देना। आज भी एक ऐसी स्टोरी है। किसी जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया। सारस सही समय पर उसके घर पहुंच गया। लोमड़ी ने एक फैले हुए बर्तन में खाने को दिया। आप जानते हैं ना, सारस की चोंच लंबी होती है, जिसकी वजह से वो फैले हुए बर्तन में नहीं खा पाता है, अतः उसे भूखा ही रह जाना पड़ा। अब सारस के मन में थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने बदला लेने का सोचा। उसने भी लोमड़ी को न्योता दिया खाने पे। सही समय पे वो लोमड़ी भी सारस के घर पहुंची। अब उसने लंबी सुराही में उसको खाने को दिया। लंबी सुराही में, क्योंकि सारस की गर्दन पतली होती है, चोंच लंबी होती है, बहुत आसानी से वो खाना खा लिया। लेकिन जो लोमड़ी थी वो नहीं खा पा रही थी, इसलिए उसे भूखा ही रह जाना पड़ा। तो देखा बच्चों आपने, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा जो करता है उसको वैसा ही मिलता है। इसने इन चित्रों के माध्यम से जो कहानी हमें मिली उसमें यही एक शीर्षक आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी।